हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हो? बढ़िया, मैं बढ़िया। सो फ्रेंड्स, मॉर्निंग टाइम हम कुछ टाइम के लिए बाहर बैठ गए थे। हवा बहुत बढ़िया चल रही थी फ्रेंड्स, सोचा क्यों ना बाहर बैठा जाए, और अंदर लाइट भी नहीं है तो इन्वर्टर की लाइट को हम बचा कर रख सकते हैं दोपहर के लिए। तो दोपहर तक तो वैसे लाइट भी आ जाती है, तो हवा इतनी अच्छी चल रही है तो हमें अंदर बैठने की ज़रूरत नहीं है फ्रेंड्स, तो बाहर बैठ जाते हैं। तो अभी प्लांट्स देख सकते हो आप, खूब बढ़िया चल रहे हैं। तो अभी जे सारा काम करने वाला है, तो अब प्रतीक और प्रतीक के पापा गए हैं बाहर दोनों गाड़ियों को वॉश करवाने के लिए। तो एक गाड़ी किसी और ने ड्राइव की है, एक प्रतीक के पापा ने, तो वो गाड़ी लेकर गए हैं वॉश करवाने के लिए। प्रतीक भी साथ में चला गया और मैंने शुरू कर दिया किचन क्लीन करने का काम। तो इस में स्प्रे बोतल में फ्रेंड्स डिटॉल डाला हुआ है और थोड़ा सा वाटर डाला हुआ, जे हमारे किचन के लिए बहुत ही अच्छा रहता है। इससे ना मक्खी आती है, ना मच्छर आते हैं, और ना ही किल्ली वगैरह आती है फ्रेंड्स। तो विंडो देख सकते हो, इसको भी क्लीन कर देते हैं। तो देख सकते हो एक साइड मैंने क्लीन कर दी है, वो बहुत बढ़िया लग रही है फ्रेंड्स। तो दूसरी साइड क्लीनिंग करनी थी, तो उसके बाद दोनों का रिजल्ट आप देख सकते हो, अब दोनों ही क्लीन हो चुकी है। तो ये मैं आपको दिखा रही हूँ, तो क्लीनिंग करने के पहले कि एक को क्लीनिंग कर दिया है, एक को नहीं किया, तो दोनों में फ़र्क दिखाई दे रहा है। अब दोनों क्लीन हो चुकी है फ्रेंड, तो देख लीजिए कितनी चमक रही है दोनों की दोनों। तो दूसरी तरफ फ्रेंड्स आप देख सकते हो कि धूप बहुत ज़्यादा हो रही है, लेकिन हवा चल रही है। तो मैं ऐसी हवा का फ़ायदा उठा रही हूँ और जो काम करने वाला है वो कर रही हूँ। तो अब रूम की विंडो की बारी आती है फ्रेंड्स, तो इसको भी हम क्लीन कर देते हैं। तो ये 1 वीक में एक बार तो मुझे ये काम करना ही पड़ता है फ्रेंड्स, तो क्यों ना आज किया जाए। तो इधर देख सकते हो ये पाम ट्री का फ्रेंड्स, अभी तक मैंने इसके लीव्स कट नहीं किए, मीन्स बाहर के प्लांट्स का बहुत बुरा हाल हो रहा है कि कटाई स्टाई करने वाली है, तो सभी का काटने वाला काम देखती हूँ कब करती हूँ फ्रेंड्स। तो इसके भी लीव जो सूखे उनको काटना है। तो इधर ग्रेप्स की वाइन को भी अभी हैंग करना है, तो ये प्रतीक के पापा ही करवाएंगे काम। तो दोपहर को लगी थी भूख, तो हमने थोड़े से फ्रूट कट कर लिए, तो प्रतीक ने ये देख लीजिए कितना अच्छा सजाया है फ्रेंड्स। तो आप जे मैं इनको बोला कि अंदर रख दो इसको, क्यों बाहर रखा है? तो प्रतीक उसके ऊपर बैठकर आ रहा था, वो गिर गया था। तो लेकिन फिर भी वो बार बार इसके ऊपर अपने पापा को बोल रहा है कि मुझे ऐसे कर कर इसके ऊपर बैठना है। तो देख सकते हो आप, वो खूब इंजॉय कर रहा है, तो बहुत मज़ा आ रहा था उसको इसके ऊपर बैठ बैठ कर। तो नेक्स्ट फिर मैंने क्या किया फ्रेंड्स, कोल्ड ड्रिंक नाइट का खाना बना रही हूँ, लेकिन अभी इवनिंग टाइम हुआ है, तो क्यों ना टाइम नाइट से पहले पहले खाना बनाया जाए। तो मैंने रोटी बना दी है और कोल्ड ड्रिंक बना ली है, तो मैं प्रतीक को दे दूंगी फ्रेंड्स पीने के लिए, और मैं बाद में पीऊँगी रोटी बनाकर। तो रोटी जहाँ मैंने बना ली है और प्रतीक कोल्ड ड्रिंक पी रहा है, तो फ्रेंड्स आप भी पी लीजिए। तो प्रतीक को तो अच्छी लगी फ्रेंड्स। तो नेक्स्ट फ्रेंड्स मैं सब्जी बना रही हूँ, तो सब्जी आज मैं बनाने जा रही हूँ तोरी की। तो कढ़ाई को मैंने गैस पर रख दिया है, और इसमें अब मैं ऑयल डाल दूँगी सरसों का, जो पहले ही हमारा पका हुआ ऑयल था उसको यूज़ कर रही हूँ। इधर मैंने तोरी और प्याज को धो कर रख दिया है फ्रेंड्स, तो ऑयल हमारा गर्म हो चुका है। अब हम इसमें जीरा डाल देंगे और बाद में हम इसमें प्याज डाल देंगे। प्याज को हम 1 to 2 मिनट फ्रेंड्स रख लेंगे पकाने के लिए। और प्रतीक के पापा अभी अदरक काट रहे हैं, तो वो भी इसमें डालना है क्योंकि वो उनका फेवरेट होता है, अदरक तो हर एक सब्जी में चाहिए ही चाहिए। तो अब मैं इसमें डाल देती हूँ अदरक, तो फ्रेंड्स इसको भी थोड़ा सा 1 to 2 मिनट के लिए पका लेंगे। और दूसरी तरफ हम इसमें नमक और मिर्च और हल्दी तीनों चीज़ को ऐड कर देंगे फ्रेंड्स। तो मैं यही तीनों चीज़ ऐड करती हूँ, नमक मिर्च और हल्दी, ऐसा नहीं कि मैं गरम मसाला यूज़ करती हूँ या कुछ और। तो इससे ही सब्ज़ी बहुत टेस्टी बनती है। तो इधर मैं धूप जगाने के लिए आ गई हूँ फ्रेंड्स, तो आप भी दर्शन कर लीजिए, तो मेरे भगवान के, आपके भगवान के, सभी के। तो ये है मेरे मंदिर का, तो ये काम भी मैंने कर लिया है। तो अब मैं इसमें तोरी को डाल दूंगी फ्रेंड्स सब्जी में,
तो अब बस इसमें इसको हिला देंगे और वाटर डाल देंगे। वाटर आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा कर सकते हो। तो प्रतीक के पापा को थोड़ी सी रसे वाली वाटर वाली ही सब्ज़ी अच्छी लगती है, तो इसीलिए वाटर थोड़ा सा ज़्यादा डाल देती हूँ। तो हम इवनिंग वॉक कर कर आ गए थे और गैस को मैं कम कर कर गई थी, बिल्कुल कम कर कर गई थी। तो सब्जी हमारी पक रही है, मींस बन चुकी है, थोड़ी बहुत बाकी है तो वो भी बनकर रेडी हो चुकी है। इवनिंग वॉक के आने के बाद मैंने गैस को किया था बंद फ्रेंड्स, तो मैंने भी कोल्ड ड्रिंक पी ली है। और तो ये था हमारा नाइट का जो बनाया है मैंने डिनर में ये सब्जी, तो वो तो फ्रूट देख लीजिए फ्रेंड्स, प्रतीक ने कितना अच्छा सजाया है, मुझे तो बहुत अच्छा लगा। तो यदि आपको भी अच्छा लगे तो प्लीज़ फ्रेंड्स वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। ओके फ्रेंड्स, बाय बाय, टेक केयर।